नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। राजद के तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव भी शामिल हुए थे। उनके ही अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी है, समस्तीपुर से MLA भी हैं। सर, बैठक बुलाई गई थी, क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और हर 3 साल पर चुनाव आयोग के द्वारा तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए नया संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसका चुनाव, ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट, सारे को इलेक्टेड किया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए एक तरीका प्रक्रिया है, तो उसी को अभी पूरा करना है। 3 साल हमारे संगठन को हो गया है, आदरणीय लालू प्रसाद जी की अध्यक्षता में पार्टी चल रही थी, अब इसको फिर से नए तरीके से फिर से संगठन का चुनाव किया जाएगा। पार्टी मजबूत करने की भी बात कही जा रही थी, तमाम अनेक राज्य से राजद के वरिष्ठ नेता भी आए थे। हाँ, देखिए, पहले राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी भी हुआ करती थी और देश के चंद राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल भी था। आज हम लोग क्षत्रिय पार्टी हो गए हैं, इस पर हम लोगों की चर्चा हुई है। और ये कि पहले हम कई राज्यों में हमारे विधायक जीता करते थे, अच्छा वोट लाते थे कई राज्यों में, और तो अभी एक ताकत, जो फांसीवादी ताकत जिस तरह से देश में हावी हो गया है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने सब जगह कुर्बानी दिया। हम कई राज्यों में चुनाव नहीं लड़ते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं लड़ते हैं कि फांसीवादी ताकत को फ़ायदा बीच में हो सकता है, और देश के हित में फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए हम लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पार्टी क्षत्रिय पार्टी हो गई है। इसलिए फिर से पार्टी का स्ट्रक्चर ठीक से हर राज्य में बने और हर जगह चुनाव लड़े, इस पर भी विचार हुआ है। अगर हमारी पार्टी फिर से नए सिरे से इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर एक सहमति बनी है, प्रस्ताव आया है। जी सर, एक सवाल और रहेगा, 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला राजद का, क्या लगता है सर, कौन बनेगा? नहीं, अभी तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है कि अन्य किसी नाम पे विचार किया जाए, तेजस्वी यादव जी या के नाम पे विचार किया जाए, ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई है। और कोई भी इस तरह का मतलब एक चर्चा यूं ही कुछ लोगों ने कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात आएगी तो मीडिया के सामने आएगा बात। बिल्कुल, देख सकते हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन थे, समस्तीपुर से विधायक है राजद के, क्या कुछ कहना था। बैठक के बाद आपने सुना है, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जाएगा, राजद के तरफ से तमाम अनेक राज्य से राजद के वरिष्ठ नेता आए थे, लालू यादव भी शामिल थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।